अस्सलामुअलैकुम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो चीज़ पिज़्ज़ा की रेसिपी। हम आपको एकदम इजी तरीके से बनाना बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, वो भी फ्री में। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लिए हैं कच्चा आलू है, इसको हम छील लिए हैं, छील कर इसको हम अच्छे से धुल लिए हैं। एक कॉर्नफ्लावर है और ये चीज़ है, मोजरेला चीज़ है। एक गोल मिर्च का पाउडर है और ये चिल्ली फ्लेक्स है। इसको हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। सारे आलू को हम ऐसे ही कट कर लेंगे। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है, आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बच्चों को हम किसी भी टाइम बना कर दे सकते हैं, बच्चे हमारे खाकर खुश हो जाते हैं। सारे पीस को हम कट कर लिए हैं, अब इसको हम बॉईल करेंगे। पैन में हम पानी रख दिए हैं, पैन गरम हो गया है पानी हमारा, उसमें हम आलू को डाल दिए। थोड़ा हम नमक डाल रहे हैं, एक चम्मच नमक डाल दिए। अब इसको हम सॉफ्ट होने तक बॉईल करेंगे। अब इसको हम चेक कर लेते हैं आलू हमारा हुआ है कि नहीं। आलू हमारा हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके का आलू चाहिए हमको, इसको हम ठंडा करेंगे, फिर इसको हम मैश कर लेंगे। इसको हम बाउल में निकाल रहे हैं। ये देखिए हमारा आलू बॉईल हो गया है, अब इसको हम मैश कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से हम मैश करेंगे, इसमें कोई गांठ ना रहे, एकदम बारीक सा हमको इसको करना है। अब इसमें हम चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे। अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं, दो चम्मच कॉर्नफ्लावर है हमारा। ये वाइट पेपर पाउडर है, इसको हम डाल देंगे। नमक इसमें हम बॉईल करते टाइम डाले थे, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। हम इसकी बड़ी रोटी जैसे बना लेंगे, गोल गोल। ये देखिए अब इसके ऊपर हम चीज़ रखेंगे। अपने हाथों से ऐसे हम प्रेस करेंगे। अब इसके ऊपर हम इसको रख रहे हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से हम रख दिए। ये देखिए कहीं से फटा नहीं है। अब इसको अच्छे से हम हाथों से अपने दबाते हुए
बना लेंगे इसको, कहीं से क्रैक्स नहीं हुआ है इसमें, ये देखिए कहीं से फट भी जाए तो अपने हाथ से हम ऐसे इसको अच्छे से बना लेंगे। ये देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस कर रहे हैं पैन में, इसको हम अच्छे से उठाएंगे ऐसे, आप भी संभाल कर उठाइएगा नहीं तो ये टूटने का भी डर रहता है इसमें। ये देखिए इसको हम ऐसे पैन में रख दिए, अब इसमें अच्छा कलर आने तक हम इसको पकाएंगे नीचे। इसको हम सीलो फ्लेम पे ही पकाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है ये, फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है। ये देखिए अब फिर हम पैन में ऑयल लगा रहे हैं, अब इसको हम इसी तरीके से पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह कलर आया है इसमें, इसी तरीके से फिर हम पका लेंगे। अगर आपको और भी कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए ज़रूर बनाएंगे। ये देखिए कितना जल्दी बनकर रेडी हो गया ये, अब इसको हम आपको कट करके दिखाते हैं। बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं अगर ये घर में बनता है, बच्चे बड़े सबको पसंद आने वाली रेसिपी है ये। ऐसे हम कट कर लेंगे इसको, ये देखिए चीज़ इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है, ये देखिए। अब इसको हम कट करके आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जितना अच्छा देखने में लग रहा है माशाल्लाह उतना अच्छा खाने में भी है, बहुत अच्छा टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए चीज़ भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।